वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवो शुभकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थि साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी कैलासतराणा शिवचंद्रमौली फणीन्द्री माता मृकुटी धड़ाली कारुण्य सिंधु भवदुखहारी तुजवीन शंभो मजगुण तारी मनोजव मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमता वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचंद्र कृपालु भजु मन हरन भव भय नील नील सुंदर जानी गौरी अनुकूल सियहिय हर्ष न जाय कहीं मंजुल मंगल मूल वामंग परकन लगे
सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। रमापति रामचंद्र की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। वरण रघुबर बिमल जसु जोदायक फल चारी। बुद्धिहीन तनु जानी के सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हर कलेस विकार। हनुमान ज्ञान गुण सागे कबीर सचिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी बोल पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी सुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुरी काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि रघुपति की बहुत बढ़ाए। प्रिय भरत समभाई सहस वरन तुम्हरो यश गावे। श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनि सारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहा गोविंद कही सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना राम मिलाय राजपद दीना। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्र जो जन पर भानु दुर्गम काज जगत के जेते। अनुग्रह तुमरे देते राम दुआरे तुम रखबारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा रक्षक का हो डरना। आपन तेज समारो कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे।
सुनावे नौ से रोग हरे सब पीरा तब निरंतर हनुमत बीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे सब पर राम तपस्वी राजा काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे अमित जीवन बल पावे चारु जुग पर ताप तुम्हारा प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखबारे कटे मिटे सब पीरा रे हनुमंत बल बीरा जय 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 हनुमान गुसाई रहो गुरुदेव दिनाई जो सत बार पाठ करी कोई राम लखन सीता सहित हृदय बहु सुर सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय रमापति रामचंद्र की जय श्री गुरु चरण सरो निज मनु मुकुर सुधार बरनउ रघुबर बिमल जसु जोदायक फल चार बुद्धिहीन तनु जानी के सुमिरो पवन बलबुद्धि विद्या देव मोहि करौ कलेश विकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी सुमति निवार सुमति के संगी कंचन बर
सिद्धि साकी गोरी
डेरा पवन तनय संकट हरन मंगल मूरति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुर भूप सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय रमापति रामचंद्र की जय श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी वरनौ रघुवर बिमल जसु जो दायज पजारी बुद्धिहीन तन जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कबीर सिंह लोक भुजारी राम दूत ललित बल अंजन भूत पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी सुमति निवार सुमति के कंचन वरन विराज सुमेधा कानन कुंडल कुंचित केसा हमारे रघुपति की नी बहुत बनाई तुम मम प्रिय वरम सम भाई हमारे राम जी को राम राम कइयो जी हनुमान हमारे राम जी को राम राम कइयो जी हनुमान सहस्र बदन तुम रोज गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे तन्कादिक ब्रह्मादि मुनीसा दुर्गम काज जगत के देते सुगम अनुग्रह तुमरे देते हमारे राम जी को राम राम कइयो जी हनुमान हमारे राम जी को राम राम कइयो जी हनुमान राम दुआरे तुम रखवारे हो तना क्या पिन मै सारे सब सुख लय तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज समारोह आपे तीनों लोक आपने कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नामा
हमारे राम जी को राम राम कहियो जी हनुमान हमारे राम जी को राम राम कहियो जी हनुमान से रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत पीरा संकट दे हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा इनके काज सकल तुम साजा और हमारे राम जी को राम राम कहियो जी हनुमान हमारे राम जी को राम राम कहियो जी हनुमान चारों युग पर ताप तुम्हारा है पर सिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे दीन ज्ञान की माता राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा हमारे राम जी को राम राम कहियो जी हनुमान हमारे राम जी को राम राम कहियो जी हनुमान तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुवर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चित्तन धरई हनुमत से सर्व सुख करई संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा हमारे राम जी को राम राम कहियो जी हनुमान हमारे राम जी को राम राम कहियो जी हनुमान जय 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 हनुमान गोसाईं कृपा करो गुरुदेव किनाई जो सतबार पाठ कर कोई झूठहिं बन्दि महा सुख होई जो अपने हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरी सा तुलसी दास सला हरि हमारे राम जी को राम राम कहियो जी हनुमान हमारे बाबा दाता दया सा कहियो जी हनुमान हमारे बाबा मंगल मूर्ति कहियो जी हनुमान हमारे राम लखन सीता कहियो जी हनुमान हमारे रुकय बसौ कहियो जी हनुमान हमारे राम जी को राम राम कहियो जी हनुमान श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारी भरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारी बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहो मोहि हरौ कलेश हाथ वज्र और ध्वजा विराजे हाथे
सारे मंगल मूरति रूप राम
चंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय रमापति रामचंद्र की जय श्री कंचन वरण विराज सुबेताल कुंजित केसा जोर भजा विराजे शंकर सुवन केसरी नंदन जगपंदन गुणी चातुर रामचंद्र जी के काज सवारे लाय सजीवन लखन जियाए रघुवीर हर चौर लाए रघुपति की महुत बढ़ाए मम प्रिय भरत सम पाए सहस बदन तुम यश गावे हस कहि श्रीपति कंठ लगावे कनकादिक ब्रह्मादि मुनि सारद सारद सहित अहिता जम कुबेर दिगपाल जहाते गोविंद कहि सके कहाते तुम उपकार सुग्रीव हि कीन्हा राम मिलाय राजपद दीना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना युग सहस्र जो जन पर भानु लील्योताहि मधुर फल जानु प्रभु दुर्गम काज जगत के जेते अनुग्रह तुमरे देते राम दुआरे तुम रखवारे ओ तन आज्ञा बिनु बैसारे सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहु को डरना आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हाथ ते कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे संत के तुम रखवारे अष्टसिद्धि नौ निधि के दाता जानकी माता राम रसायन तुम रे माता रघुपति के
रोज मेरे हनुमंत बलबीरा का प्यारा नाम जय जय राम जय श्री राम दो अक्षर का प्यारा नाम राम नाम के जपने से ही राम नाम के जपने से ओ राम नाम के जपने से ही राम नाम के जपने से ही बन जाते सब बिगड़े का आमचा हा 40 दिवसांचा जो कार्यक्रम आहे आमचं मंगल भक्त सेवा मंडळाचं यूट्यूब चॅनल आहे त्या चॅनलवरती रोजचं प्रक्षेपण दाखवलं जातं ते प्रक्षेपण आपणास त्याची लिंक हवी असेल 40 दिवसांच्या कार्यक्रमाची तर एक नंबर मी तुम्हाला सगळ्यांना या ठिकाणी सूचित करतो तो नंबर आपण कृपया टाईप करून घ्या 75 88 79 77 88 हा नंबर आहे मंगल भक्त सेवा मंडळाचा 75 88 79 77 88 या नंबरवरती आपण जयशंकर टाईप करायचं आहे मी पुन्हा एकदा सांगतो 75 88 79 77 88 या नंबरवरती आपण फक्त जयशंकर टाईप करून पाठवायचं आहे त्यानंतर तिकडनं रिप्लाय येईल आपलं नाव आणि पत्ता सांगा तो पत्ता टाईप करून पाठवा त्यानंतर रोजच्या कार्यक्रमाची लिंक जी आहे ती आपणास शेअर करण्यात येईल आपण सर्वांनी प्रत्येक घरातील प्रत्येकजणच या ठिकाणी उपस्थित असतो असं काही नाही आपल्याला घरी बसल्या बसल्या या हनुमान चालीसा पठणाचा व भजन संध्येचा लाभ मिळणार आहे आणि श्री वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटी स्वप्रभ निर्विघ्नम कुरुमे देव सर्व कार्य सु सर्वदा कि जिनको हर शुभ कार्य में हर पूजा में जिनको अग्र स्थान दिया जाता है कि भोले बाबा की आंखों के तारे और माता गौरा के राज दुबारे कि जो गणपति को प्रथम मनाता उसका सारा दुख मिट जाता देवन के देवेश श्री गजानन महाराज तो चलते हैं सब में पहले उनको आह्वान करते हैं बोल गजानंद भगवान की गणपति बाप्पा असं करू नका ज्यावेळेस 10 दिवसांचा गणपती आपल्या घरात प्रवेश करतो आपण इतके शांततेमध्ये गणपतीचं स्वागत करतो का नाही करत ना मग जरा दोन्ही हात वरती करून आवाज येऊ द्या गणपती बाप्पा मंगलमूर्ती क्या बात आहे
जरा दोनों हाथ खोले आगे बढ़े। देवा श्री गणेश 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 देवा श्री गणेश। Thank you.
शक्ति बाप्पा मंगल मूर्ती आमच्या मंगल भक्त सेवा मंडळाचा एक नियम आहे जय करायची तर दोन्ही हात वरती करून नाही तर नाही केले तरी हरकत नाही कारण की आमच्या नावाची जय नाही देवाच्या नावाचे देव पाहतात गणपती बाप्पा मंगल मूर्ती जय शंकर की राम दुवारे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे और सब सुख रहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक का हो को डरना कि बड़ा सरल सादा उपाय है भगवान श्री राम को पाने का कि पाना चाहो तो कृपा श्री राम की कर लो रे कर लो भक्ति हनुमान की कि अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असवर दीन जानकी माता और राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। श्री राम जी ने और जानकी माता ने हनुमान जी को वरदान दिया और वो वरदान भक्तों को प्राप्त हो गया कि भक्त जाते हैं हनुमान से अपनी अर्जी लगाते हैं यानी प्रार्थना करते हैं और वो प्रार्थना राम जी के चरणों में जाती है और जैसे कि मैंने कहा है कि अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असवर दीन जानकी माता कि भगवान श्री राम ने और जानकी माता ने हनुमान जी को अष्ट सिद्धि और नौ निधियां प्रदान की है कि हनुमान जी कलयुग में अगर कोई भक्त तुम्हारी सच्ची मनोकामना से भक्ति करता है सेवा करता है तो तुम इसमें से कोई भी सिद्धि या कोई भी वर अपने भक्त को दे सकते हो क्योंकि राम दुवारे तुम रखवारे कि जब राम जी पर विपदा आई तो हनुमान जी दौड़ पड़े समंदर पार जाकर सिया की सुधि लाए और जब मेघनाथ की शक्ति लागी तो रातों रात हिमालय में जाकर संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी के प्राण बचाए और जब राम जी का अयोध्या के अंदर राज्याभिषेक हुआ तो विभीषण ने ताना मारते हैं हनुमान जी तुम वाकई में बड़े भगत हो तो एक जरा सी बात के खातिर हनुमान ने अपना सीना चीरकर श्री राम एवं जानकी माता की झांकी दुनिया को दिखा दी बड़ा ही सुंदर भजन कि राम पे जब जब विपदा छाई कौन बना रखवाला वो है मेरा बजरंग बाला राम पे जब जब विपदा छाई हो राम पे जब जब विपदा छाई कौन बना रखवाला मेरा बजरंग बाला हो मेरा बजरंग बाला राम पे जब जब विपदा छाई हो राम पे जब जब विपदा छाई कौन बना रखवाला मेरा बजरंग बाला हो मेरा बजरंग बाला मेरा बजरंग बाला हो मेरा बजरंग बाला मात सिया को राम प्रभु से कौन मिलाने वाला मेरा बजरंग बाला हो मेरा बजरंग बाला मेरा बजरंग बाला हो मेरा बजरंग बाला बजरंग के हिस्से आए हनुमत के सिवा कोई भी
जितने भी काम थे मुश्किल बजरंग के ही से आए, हनुमत के सिवा कोई भी सागर को लांग न पाए। रावण की सोने की लंका हो, रावण की सोने की लंका कौन चलाने वाला, मेरा बजरंग बाला हो, मेरा बजरंग बाला, मेरा बजरंग बाला हो, मेरा बजरंग बाला। संजीवन ला करके लखन को, संजीवन ला करके लखन को कौन जियाने वाला, मेरा बजरंग बाला हो, मेरा बजरंग बाला, मेरा बजरंग बाला हो, मेरा बजरंग बाला। ताना मारे बजरंगी सेना पाए, भक्ति किसको कहते हैं ये सबको ज्ञान कराए। विभीषण ताना मारे बजरंगी सेना पाए, भक्ति किसको कहते हैं ये सबको ज्ञान कराए। परि सभा में कसीना हो, परी सभा में चीर कसीना कौन दिखाने वाला, मेरा बजरंग बाला हो, मेरा बजरंग बाला, मेरा बजरंग बाला हो, मेरा बजरंग बाला। जो हनुमान ना होते ना होती राम कहानी, श्री राम प्रभु की महिमा घर घर ना जाती बखानी। कहे पवन भक्ति गाढ़ं का हो, कहे पवन भक्ति गाढ़ं का कौन बजाने वाला, मेरा बजरंग बाला हो, बजरंग बाला, मेरा बजरंग बाला हो, मेरा बजरंग बाला। राम पे जब जब विपदा छाई हो, राम पे जब जब विपदा छाई कौन बना रखवाला, मेरा बजरंग बाला हो, मेरा बजरंग बाला, मेरा बजरंग बाला हो, मेरा बजरंग बाला, मेरा बजरंग बाला हो, मेरा बजरंग बाला, मेरा बजरंग बाला हो, मेरा बजरंग बाला। बोल सियावर रामचंद्र
चंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जो हनुमान ना होते ना होती राम कहानी, श्री राम प्रभु की महिमा घर घर जाती ना बखानी। कि इस पूरे ब्रह्मांड में जिनकी सत्ता है, जिनकी शक्ति से पूरी कायनात का कारोबार चलता है, जर्रा जर्रा रोवा रोवा कण कण में जिनका वास है, वो कौन सी शक्ति है? तो झाक देख अपने मन के अंदर, कण कण में उस प्रभु का वास है। कि तुलसीदास जी ने बड़ा ही सुंदर कहा है कि राम नाम अति मीठा है, कोई गाके देख ले, और आ जाते हैं राम कोई बुलाकर देख ले। कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, और तुलसीदास जी चंदन घिसे और तिलक करे रघुवीर। और यहां देखिए राम नाम का मतवाला हनुमान, कि सुबह शाम आटो याम यही नाम लिए जा, खुश हो गए हनुमान राम राम किए जा। हाथ में करतार लेकर पाओ में घुंघरू बांधकर, जो राम नाम की भक्ति में लीन रहते हैं सदा सर्वदा, राम राम रोम रोम जिनके बसा है, ऐसे बावरे भगत हनुमान जी जिनके दो धाम है राजस्थान के अंदर। राजस्थान जयपुर में सालासर और मेहंदीपुर में हनुमान जी बिराजते हैं। बड़ा ही सुंदर भजन कि सुबह शाम आठो याम यही काम किए जा, खुश हो गए हनुमान राम राम किए जा। सुबह शाम आठो याम यही नाम लिए जा, खुश होंगे हनुमान राम राम किए जा। खुश होंगे हनुमान राम राम किए जा, खुश होंगे हनुमान राम राम किए जा, खुश होंगे हनुमान राम राम किए जा। सुबह शाम आठो याम यही नाम लिए जा, सुबह शाम आठो याम यही नाम लिए जा, खुश होंगे हनुमान होंगे हनुमान राम राम किए जा। जीव मर गए, बस नाम का रस पान है इंसान किए जा, बस नाम का रस पान है इंसान किए जा। कुछ होंगे हनुमान राम राम किए जा, होंगे हनुमान राम राम किए जा, कुछ होंगे हनुमान राम राम किए जा। हनुमान राम राम दिए जा।
रानी का लाल हो, राजपाल तू हर हाल में जयकार किए जा, राजपाल तू हर हाल में जयकार किए जा, कुछ होंगे हनुमान होंगे हनुमान राम राम किए जा, होंगे हनुमान राम राम किए जा, कुछ होंगे हनुमान राम राम किए जा, कुछ होंगे हनुमान राम राम किए जा, तो किए जा तो किए जा किए जा। बोल सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। जय शंकर। कि मैं कैलाश का रहने वाला, कि मेरा नाम है शंकर, दुनिया को समझाने आया, कर ले तू भी अपना कर। कि लाखों रंग दुनिया में यह रंग नीला रहा है, कि भेद न पाया किसने गहरा और गहरा है। यह बाबा समझता है तो समझ ले, बाद में पछताना है। मेरा क्या बिगड़ता है, रोना धोना तेरा है। कुर्बान की भी दौलत तो सवाल अधूरा है, मुझे वो ही जानता है जो खुद को समझता है। मुझे वो ही जानता है जो खुद को समझता है। लिखी जो हमने दीवारों पर सुनना की लकीरों से, लिखी जो हमने दीवारों पर सुनना की लकीरों से, याद आएंगे हमारे ही फव्वारे जब न रहेंगे हम, जब न रहेंगे हम। मैं कैलाश का रहने वाला, सदगुरु शंकर महाराज एक अजब रसाय हे अवलिया स्वरूप भगवंताच अयोनी प्रकट झाले या भूतलावर, आणि म्हणून षडरिपून विरहित असलेले हे चैतन्य अशा या अवलियांबद्दल जितकं बोलावं तितकं कमी आहे। मात्र प्रारब्धात जे नाही ते देण्याची यांची कुवत, यांना अधिकार, यांची पात्रता, आणि म्हणून आपण साईबाबांच्या दरबारात पाहतो, स्वामींच्या दरबारात पाहतो, गजानन महाराजांच्या दरबारामध्ये पाहतो, शंकर महाराजांच्या दरबारामध्ये पाहतो। 18 पगड जातींचा हा दरबार आहे, कारण इथं माणसाला माणसासारखं जगायला शिकवलं जातं। आज खऱ्या अर्थानं मानवाला मानवाचे गुणधर्म जाग करणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे। आपण नावाला मानव आहोत कारण आकार उकार आपला माणसासारखा दिसतो, मात्र आपली वैचारिक पातळी अत्यंत अधोगतीला गेलेली आहे। आपले विचार, आपले आचार, आपला आहार याकडे खऱ्या अर्थानं अंतर्मुख होऊन बघण्याची, याचं चिंतन करण्याची, मनन करण्याची गरज आहे। आणि याचं मनन चिंतन कसं व्हावं याचं ज्ञान हे अवलिया देतात अशा या सद्गुरु शंकर महाराजांच्या चरणाशी कोटीशा नमन करून पुढचं हे सुमन पुष्प सद्गुरूंच्या चरणाशी अर्पण करूया। जय शंकर। लई दिवसांचं होत मनात, आज दिवस उगवला। मागच्या वर्षी भाऊंनी ऑनलाईन कोविड कारणामुळे ऑनलाईनची हनुमान चालीसा सुरू केली होती, त्यावेळी मनात इच्छा झाली की मीही जावं आणि हनुमान चालीसात एक भजन गावं, आणि एक वर्षांनी माझी ती इच्छा भाऊंनी पूर्ण केली आणि आज या ठिकाणी मी आपल्यासमोर महाराजांचं भजन पुष्प सादर करत आहे, आणि त्यासाठी मी मालेगावहून आलो आहे।
धनकवडीला जायचं मला गाव जमुनी, धनकवडीला जायचं मला गाव जमुनी, आणि सद्गुरुला पाहू माझ्या डोळे भरुणी, सद्गुरुला पाहू माझ्या डोळे भरुणी, बाबांना पाहू माझ्या डोळे भरुणी, बाबांना पाहू माझ्या डोळे भरुणी, धनकवडीला जायचं मला गाव जमुनी, धनकवडीला जायचं मला गाव जमुनी, सद्गुरुला पाहू माझ्या डोळे भरुणी, बाबांना पाहू माझ्या डोळे भरुणी। बसले हो सद्गुरु माझे दर्शनात जमतीये भक्त हे सारे, मठामध्ये बसले हो सद्गुरु माझे दर्शनास जमती हे भक्त हे सारे, भक्त जन आले बघा सारे जमुनी, भक्त जन आले बघा सारे जमुनी, ए सद्गुरुला पाहू माझ्या डोळे भरुणी, बाबांना पाहू माझ्या डोळे भरुणी, धनकवडीला जायचं मला गाव जमुनी, धनकवडीला जायचं मला गाव जमुनी, आणि सद्गुरुला पाहू माझ्या डोळे भरुणी, बाबांना पाहू माझ्या डोळे भरुणी। किती दयाळू दीन दुबळ्या भक्तांचा तोच कृपाळू, शंकर बाबा माझे किती दयाळू दीन दुबळ्या भक्तांचा तोच कृपाळू, इडा पिडा माझी सारी जाई जळूनी, इडा पिडा माझी सारी जाई जळूनी, माझ्या डोळे भरुणी, बाबांना पाहू माझ्या डोळे भरुणी, धनकवडीला जायचं मला गाव जमुनी, धनकवडीला जायचं मला गाव जमुनी, सद्गुरुला पाहू माझ्या डोळे भरुणी, बाबांना पाहू माझ्या डोळे भरुणी। शंकर बाबा माझे ओ मठा योगी अष्टभैरव हो त्यांच्या सेवेत राती, जय शंकर नाम घेऊन, जय शंकर नाम घेऊन, सद्गुरुला पाहू माझ्या डोळे भरुणी, बाबांना पाहू माझ्या डोळे भरुणी, धनकवडीला जायचं मला गाव जमुनी, धनकवडीला जायचं मला गाव जमुनी, आणि सद्गुरुला पाहू माझ्या डोळे भरुणी, बाबांना पाहू माझ्या डोळे भरुणी, बाबांना पाहू माझ्या डोळे भरुणी, बाबांना पाहू माझ्या डोळे भरुणी। अनंत कोटी ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री शंकर बाबा महाराज की जय। जेव्हा जेव्हा आपण भगवंताच्या चरणाशी नतमस्तक होत असतो, आपल्या प्रापंचिक अडचणी प्रश्न त्या भगवंतासमोर मांडतो आणि म्हणतो की याच्यातनं मला मुक्ती दे, याच्यातनं मला रस्ता दे,
आपण इतके अहंकारी आहोत, इतके अभिमानी आहोत, जोपर्यंत आपल्याला शक्य आहे तोपर्यंत आपल्या बुद्धीचा वापर करून आपणच आपले प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न करत असतो. मात्र जेव्हा आपल्या लक्षात येतं ना की आपली बुद्धी अपुरी, आपली ताकद अपुरी, आपली ओळख अपुरी, मग ती शेवटी सर्वात महत्त्वाची ओळख आपल्याला परत जागी करावी लागते आणि भगवंताच्या दरबारी आपण नतमस्तक होण्याचं नाटक करतो. कारण काम संपलं की केलेलं नवस फेडायला आपल्याला अनंत अडचणी असतात. आज जमलंच नाही, पुढच्या हप्त्यात जाऊ, नाही आता पुढच्या महिन्यात जाऊ, असं करता करता दोन पाच वर्ष निघून जातात, कधीतरी तो नवस फेडला जातो. खरं तर भगवंताच्या चरणाशी नतमस्तक होताना मागणं इतकंच मागायचं असतं की तुझी कृपा, तुझा आशीर्वाद सदैव माझ्या पाठीशी असू दे. त्या एका आशीर्वादानं अख्खं जीवन बदलून जातं. असे अनंत उदाहरणं आपल्या अवतीभोवती आपल्याला पाहायला मिळतात. त्याकरिता फक्त श्रद्धा लागते आणि समर्पण भाव लागतो. चला तर, तो बोल्यांचा देव भोलेनाथ आहे, त्याला देवाधिदेव महादेव सुद्धा म्हटलं गेला. अशा महादेवांचं हे स्वरूप आहे सद्गुरु शंकर महाराजांचं. मी यांना एवढंच मागणं मागायचं की मेरे सर पर रख दो बाबा अपने ये दोनों हात. यापुढच्या सुमन पुष्पाच्या माध्यमातून आपण भगवंताच्या चरणाशी अर्पण करूया. Thank you.
झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर दे तू। बाजी के नाम चले ना तब पतवार पकड़ ले तू। भक्त आपुला होण्याचे गुरु जावे भाग
अमाला आप कमला से माजे गमले ते पर स्वार्थी सारे माया जाला तुनी तया चा तू च प्रभु छोड़ विरे आप कमला से माजे गमले ते पर स्वार्थी सारे माया जाला तुनी तया चा तू च प्रभु छोड़ विरे भक्त दीन मी दीनानाथ तुम्ही शंकर गुरु राया हस्त मस्तक देवा गुरु नमी तो तब पाया कृपा हस्त मस्तक देवा गुरु नमी तो तब पाया दयाना प्रार्थना तुला रे करी माझा वरी करुणा एकच वर शंकर गुरु राया यादा साला जावा तुझ्याच चरणी सद्गुरु राया निश्चल भाव रहावा एकच वर शंकर गुरु राया यादा साला जावा तुझ्याच चरणी सद्गुरु राया निश्चल भाव रहावा भक्त दीन मी दीनानाथ तुम्ही शंकर गुरु राया कृपा हस्त मस्तक देवा गुरु नमी तो तव पाया कृपा हस्त मस्तक देवा गुरु नमी तो तव पाया ओम नमो भगवते शंकर सद्गुरु राया 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 ओम नमो भगवते शंकर सद्गुरु ओम नमो भगवते शंकर सद्गुरु राया 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 सद्गुरु श्री शंकर बाबा महाराज की राम राम कहो के राम दे हो ताने हीरा कहो के लाल जाने मिल गया राम दे
अर्ज करो अजमाल राम तू सांबल जो जरूर रामा राज का बाप पिछम दरा के बादशाह कि पल पल जिनके पर्चे जिसकी महिमा का बखान किया जाता है लीले घोड़े पे सवार बाबा रामदेव जी कि रूनीचा में बाबा का धाम है लेकिन बाबा का और एक धाम है 40 गांव में सोहनलाल जी जोशी बाबजी का कि सुनते हैं कि बड़े पर्चे मिलते थे रामदेव जी के चमत्कार होते थे उस दरबार में जिसे प्रति रूनीचा धाम कहा जाता है उस दरबार को 40 गांव के रामदेव जी महाराज एक रूनीचा धाम कहा जाता था बड़ा ही सुंदर भजन उनकी चमत्कार उनकी महिमा को बखान करता कि रूनीचा के रामदेव जी बाबा 40 गांव के बाबजी बाबा रखना लाज हमारी भक्तों की बिनती बाबा के चरण में बड़े भक्ति भाव से समर्पित करता हूं पीछम दरा के बादशाह ये अर्जी आपको सुनाई है बड़े ही नाज से और अंदाज से आवाज लगाई है रूनीचा के रामदेव जी बाबा रूनीचा के रामदेव जी बाबा 40 गांव वाले बाबजी बाबा रखना लाज हमारी रामदेव जी बाबा रखना लाज हमारी रामदेव जी बाबा रखना लाज हमारी रामदेव जी बाबा रखना लाज हमारी रूनीचा के रामदेव जी बाबा रूनीचा के रामदेव जी बाबा 40 गांव वाले बाबजी बाबा रखना लाज हमारी रामदेव जी बाबा रखना लाज हमारी रामदेव जी बाबा रखना लाज हमारी रामदेव जी बाबा रखना लाज हमारी लगा दो नैया मेरी ओ पर लगा दो नैया मेरी आयो शरण तुम्हारी रामदेव जी बाबा रखना लाज हमारी रामदेव जी बाबा रखना लाज हमारी रामदेव जी बाबा रखना लाज हमारी भगिनी बसले त्यांना ज्या सूचना करतात आमच्या सेवेकरी आहेत कृपया हात जोडून विनंती थोडंसं पुढे सरका तुमच्या सारख्या आणखीही काही माता भगिनी या ठिकाणी आलेत त्यांना बसण्यासाठी जागा नाही म्हणून तुम्हाला विनंती करतायत की थोडंसं पुढे सरकून घ्या आपल्याला झालेल्या तसदीबद्दल आम्ही आपली क्षमा मागतो आमचे जे सेवेकरी या ठिकाणी सूचना करतात त्यांचं पालन करा धन्यवाद जयशंकर जगा दे सोई हुई तक धीर जगा दे ओ गम
डूबी जिंदगी सारी, गम में डूबी जिंदगी सारी। ओ लैया मेरी बहुत पुरानी, लैया मेरी बहुत पुरानी। लज जाएगी दर से तेरे, ओ लज जाएगी दर से तेरे, हंसेगी दुनिया सारी। रामदेव जी बाबा रखना लाज रखना लाज हमारी, रामदेव जी बाबा रखना लाज हमारी। महाराज कवार की हो बाबा, गर्भे दर की खाकर ठोकर, गर्भे दर की खाकर ठोकर। मैं पहुँचाऊँ तेरे दर पर, मैं पहुँचाऊँ तेरे दर पर। ओ रहमत करना बाबा हम पर, रहमत करना बाबा हम पर। झोली पसारी तेरे दर पर, झोली पसारी तेरे दर पर। आखे कोनो कुछ तो बोलो, आखे कोनो कुछ तो बोलो, आगे मर्जी तुम्हारी। रामदेव जी बाबा रखना लाज हमारी, रामदेव जी बाबा रखना लाज हमारी, रामदेव जी बाबा रखना लाज हमारी। रुनी चके रामदेव जी बाबा, रुनी चके रामदेव जी बाबा, चालीसा वाले बाप जी बाबा रखना लाज बाबा, रखना लाज हमारी। रामदेव जी बाबा रखना लाज हमारी, रामदेव जी बाबा रखना लाज हमारी, रामदेव जी बाबा रखना लाज हमारी। बोल महाराज कवार की, बोल अजमल घर अवतार की, बोल सोहनलाल जी बाप जी महाराज की। राम नाम से तू मेरे बंदे, राम नाम से तू मेरे बंदे, क्यों अपना मुख मोड़ा दौड़ा जाए रे। समय का राम नाम से तू मेरे बंदे, क्यों अपना मुख मोड़ा। राम नाम से तू मेरे बंदे, क्यों अपना मुख मोड़ा दौड़ा जाए रे। समय का घोड़ा दौड़ा जाए रे, समय का घोड़ा दौड़ा जाए रे, समय का बीता खेल कूद में, एक दिन मौज में सोया। एक दिन बीता खेल कूद में, एक दिन मौज में सोया। देख बुढ़ा पाया तो क्यों पकड़ के लाठी रोया। देख बुढ़ा पाया तो क्यों पकड़ के लाठी रोया। अब भी राम सुमिरल नहीं तो, अब भी राम सुमिरल नहीं तो, पड़ेगा काल हथौड़ा दौड़ा जाए रे। समय का घोड़ा दौड़ा जाए रे, समय का घोड़ा।
अमृत मैं है नाम हरि का तू अमृत मैं बन जा अमृत मैं है नाम हरि का तू अमृत मैं बन जा मन में ज्योति जगा ले बस तू हरि के रंग में रंग जा मन में ज्योति जगा ले बस तू हरि के रंग में रंग जा गौर जीवन की सौंप हरि को गौर जीवन की सौंप हरि को नहीं पड़ेगा थोड़ा दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा लाया क्या ले जाएगा क्या पाया क्या खोया क्या लाया क्या ले जाएगा क्या पाया क्या खोया वैसा ही फल मिले यहाँ पर जैसा तूने बोया वैसा ही फल मिले यहाँ जैसा तूने है बोया काल शीश पर बैठा इसने काल शीश पर बैठा इसने किसी को ना है दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा मन के कहे तो चलते वो दुख ही दुख है पाते मन के कहे तो चलते हैं वो दुख ही दुख है पाते माया के वश में है वो तो गोर नरक में जाते माया के वश में है वो तो गोर नरक में जाते जो भी अजर अमर रहते जो भी अजर अमर बनते हैं उनका ब्रह्म है थोड़ा दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा राम नाम से तू मेरे बंदे क्यों अपना मुख मोड़ा राम नाम से तू मेरे बंदे क्यों अपना मुख मोड़ा दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय जग में सुंदर है दोना चाहे कृष्ण कहो या राम जग में सुंदर है दोना चाहे कृष्ण कहो या राम जग में सुंदर है दोना चाहे कृष्ण कहो या राम बोलो राम 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 बोलो श्याम 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 बोलो राम 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 बोलो श्याम 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 जग में सुंदर है दोना चाहे कृष्ण कहो या राम जग में सुंदर है दोना चाहे कृष्ण कहो या राम बोलो राम 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 बोलो श्याम 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 बोलो राम 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 बोलो श्याम श्याम We'll be right back.
राखन ब्रिज में एक चुरावे एक बेर भिलनी के खावे माखन ब्रिज में एक चुरावे एक बेर भिलनी के खावे प्रेम भाव से भरे अनोखे प्रेम भाव से भरे अनोखे दोनों के है काम चाहे कृष्ण कहो या जग में सुंदर है दो नाम चाहे कृष्ण कहो या राम जग में सुंदर है दो नाम चाहे कृष्ण कहो या राम बोलो राम 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 बोलो श्याम 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 बोलो राम 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 बोलो श्याम 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 राधिका के संग राजे एक जानकी संग विराजे एक राधिका के संग राजे एक जानकी संग विराजे चाहे सीता राम कहो चाहे सीता राम कहो या बोलो राधे श्याम चाहे कृष्ण कहो या राम जग में सुंदर है दो नाम चाहे कृष्ण कहो या राम जग में सुंदर है दो नाम चाहे कृष्ण कहो या राम बोलो राम 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 बोलो श्याम 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 बोलो राम 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 बोलो श्याम 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 पापी को मारे एक दुष्ट रावण संहारे एक कंस पापी को मारे एक दुष्ट रावण संहारे दोनों दिन के दुख हरत है दोनों दिन के दुख हरत है दोनों पल के धाम चाहे कृष्ण कहो या राम जग में सुंदर है दो नाम कृष्ण कहो या राम जग में सुंदर है दो नाम चाहे कृष्ण कहो या राम बोलो राम 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 बोलो श्याम 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 तो चलते हैं साईं बाबा जी के दरबार में बड़ा ही मीठा सा भजन है इसके पहले जो जो बाबा के दीवाने हैं जरा दोनों हाथ खड़े कर तो है बोल साईनाथ महाराज की जय साई बाबा दुनिया से नहीं लेना मुझको
साईं का ध्यान लगा लो तो कोई बात बने। बोल साईनाथ महाराज की। जो भी बाबा का दीवाना है दोनों हाथ खड़े करते हुए 1 2 3 4 पीछे वाले खड़े हो मेरे भाई, उन्हें सच्चे दिल से जो भी पुकारे उन्हें भी संभाले वो अपने सहारे, उन्हें भी संभाले वो अपने सहारे, उन्हें भी संभाले वो अपने सहारे। मांग कोई मन्नत जो घर पे आए भरे झोली उनकी वो खाली न जाए, भरे झोली उनकी वो खाली न जाए, भरे झोली उनकी वो खाली न जाए। साई राम बोलो जपो माला मन में मिले मन की शांति साई के भजन में, मिले मन की शांति साई के भजन में, वो मिले मन की शांति साई के भजन में। ओ दीवा नदी बन नदी बन नदी बन नदी सुन लो ओ मेरे साईं, शिरडी के साईं बाबा रे, 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 बाबा रे आ जा रे। बड़ी दूर से मैं तेरे दर पे आया, बड़ी दूर से मैं तेरे दर पे आया। जरा हाथों को बोले सबूर से भरी मीठी मीठी गाली ओ पीछे वाले भाई। दीवाना मैं बाबा का जब से बना हूँ, भटकते भटकते संभाला गया हूँ, भटकते भटकते संभाला गया हूँ, भटकते भटकते संभाला गया। ये मेरे साई की रहमी नजर है, मेरे साई बाबा तो सबकी खबर है, मेरे
साईं बाबा को सबकी खबर है, मेरे साईं बाबा को सबकी खबर है। वो है अंतर्यामी दिलों में समाए, चलो सारे मिलकर खुशी के गुण गाए, चलो सारे मिलकर खुशी के गुण गाए, चलो सारे मिलकर खुशी के गुण गाए। ओ दीवाना 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 दीवाना, मिले तो आगे बढ़ू पीछे वाले जोरदार ताली हमारे ये बजाने वाले जो कलाकार इनके लिए और साउंड वाले भैया के लिए भी क्या बात है। धन्यवाद। मैं तो दीवाना दीवाना साई का दीवाना। मानवाच मन अत्यंत विचित्र है। चांगल्यात वाईट शोधणं हा मानवाचा जन्मता हा गुण है। एखाद्या चांगल्या स्थळी आपण गेलो ना तर तिथं चुकीचं काय हे अगोदर आपण पाहतो। आपण केलेल्या प्रत्येक कामात आपण आपली चूक शोधण्याचा प्रयत्न करतो आणि असंच काहीसं आयुष्य जगताना आपण जे आज आपल्याकडे आहे त्याचा उपभोग घ्यायचा सोडून जे नाही आहे त्याची चिंता त्याचा तणाव आणि ते प्राप्त करण्याकरिता जो मिळालेल्या जे जे काही मिळालंय त्याचा उपभोग घेण्याचा वेळ सगळा या चिंतेमध्ये तणावामध्ये निघतोय। या अशा मनस्थितीमध्ये
आपल्या प्रपंचामध्ये आपण सकाळपासून रात्रीपर्यंत अत्यंत व्यस्त असतो. या व्यस्ततेमध्ये कुठेतरी दिवसभरात एकदा वाटतं आपल्याला की एक 5 मिनटं शांत बसावं. कुठलाही विचार नसावा डोक्यामध्ये, कुठलीही चिंता नसावी, कुठलीही काळजी नसावी. अगदी छोटीशी माफक अपेक्षा आपली. मात्र आजच्या या धावपळीमध्ये आपल्याला तितका वेळ देखील प्राप्त होत नाही. आणि याचं कारण देखील आपण स्वतः आहे, आपले कर्म आहेत. आपले कर्म असे जे भूतकाळात घडले त्यामुळे वर्तमान काळातली आजची आपली अवस्था आहे. या अवस्थेमध्ये आपल्याला भविष्याची चिंता आहे, आपल्याला भूतकाळातलं ओझ आहे मनावर, आणि आपल्याला तर वर्तमान काळातच जगायचं आहे. मग या वर्तमान काळातली अवस्था जर भूतकाळातल्या कर्मांमुळे आहे तर भविष्यकाळ हा वर्तमान काळातल्या कर्मांवर आधारित आहे. आणि म्हणूनच भगवंतानं या मानव योनीला बुद्धी आणि वाणी याचं वरदान दिलं. या बुद्धीचा आणि वाणीचा योग्य वापर करून आपण काय करतो, कुठले कर्म घडतात, यावर आपलं स्थान, आपली अवस्था ही ठरलेली. ज्याप्रमाणे शिशुपालाचे 99 अपराध झाले, 100वा आणि शिर धडा वेगळा, असं काहीसं आपल्याही बाबतीत असतं. काही पुण्य पाठीशी जमा असतं, मातापित्यांचे कृपा असते, कुलदैवतेचा आशीर्वाद असतो, आणि काही काळ आपल्या मस्तीमध्ये आपण जगत असतो. आपलं हे विमान जमिनीवर तेव्हाच उतरतं जेव्हा आपल्या समोर अडचणींचा, समस्यांचा, प्रश्नांचा डोंगर उभा राहतो. त्या मस्तीमध्ये आपण विसरून गेलो की आपल्याला या केलेल्या कर्माची फळं भविष्यामध्ये भोगायची आहे. आपली आज इतकी बेफिकीर अवस्था आहे, बघू तेव्हाच तेव्हा, आज काय आत्ताचं काम होतंय करून घे. आणि असंच काहीसं आपलं भगवंताप्रती देखील झालंय. जेव्हा गरज असेल तेव्हा भगवंत आठवतो, गरज संपली की आपल्याला जसं जमेल, वेळ मिळेल तेव्हा आपण जातो. स्वाभाविक आहे, प्रपंच आहे पाठीशी. मात्र ज्याप्रमाणे प्रपंचातले काही कर्म सकाळी उठल्यापासून रात्री झोपेपर्यंत चुकत नाहीत ना, तसंच हे देखील एक कर्म असलं पाहिजे आपल्या दैनंदिनीमध्ये, की आपल्या घरातल्या कुलमातेसमोर बसून 2 मिनिट आपण स्वतःसाठी दिले पाहिजे. ज्या तणावामध्ये सध्याचा सगळा प्रपंच, समाज, देश, जग अत्यंत अस्थिर अवस्था आहे, ही कुठून निर्माण झाली हो, ही त्या असुरी महत्वाकांक्षेमुळे निर्माण झाली. या असुरी महत्वाकांक्षेमुळे जे कर्म घडायला नको ते कर्म घडतायत. अख्खं जग आज तणावाखाली आहे. हा सगळ्या सामूहिक विचारांचा प्रभाव. ज्याप्रमाणे आपले विचार आपले आचार, आहार आणि कर्म ठरवतात, त्याप्रमाणे या सामूहिक नकारात्मकतेमुळे आज अख्खं जग तणावामध्ये. गेली 4 वर्ष 3 वर्ष आपण अत्यंत काळजीनं, चिंतेनं, तणावानं काढलेली आहे कोरोनामुळे. अनेक आपले आप्तेष्ट, आपले जीवलग, आपले मित्र, आपले स्नेहीजन या कोरोनानं हिरावले गेले. कधीही भरून न येणारी पोकळी आयुष्यामध्ये निर्माण झाली. मात्र ही पोकळी वाया जात नाही. या सर्व आपल्या आप्तेष्टांना, जीवलगांना, स्नेहीजनांना आपण मनपूर्वक आदरांजली, श्रद्धांजली अर्पण करूया. आणि ही पोकळी रिकामी राहत नाही, कारण आपल्याला वर्तमानात जगायचं आहे.
आपण भूतकाळात चिटकून बसू शकत नाही, भविष्यकाळात पाऊल टाकू शकत नाही, मग या वर्तमान काळामध्ये आपण आपल्या कर्मांवर आपल्या विचारांवर कुठेतरी अंतर्मुख होऊन मनन केलं पाहिजे, चिंतन केलं पाहिजे. आपण अनेक भगवंताची सुमनपुष्प त्यांच्या चरणाशी अर्पण केली भजनरूपी, मग तिथे साक्षात ईश्वराचा दरबार, साईनाथाचा दरबार, दत्तप्रभूंचा, महादेवाचा, बजरंग बलीचा, ज्या हनुमान चालीसा पठणासाठी आपण बसलो, ऐकलं, ग्रहण केलं, त्या मारुतीरायाचे अनेक वैशिष्ट्य आहे. आणि त्यापैकी एक वैशिष्ट्य एक निष्ठता. आपल्या या सांसारिक दृष्टीमुळे आपण या शब्दाचा अर्थ एक दोन तीन पद्धतीनंच लावतो, इतर पद्धती आपण सोडून देतो, मात्र खरा अर्थ त्या पद्धतींमध्ये ती एकनिष्ठता आपल्या दैनंदिन कामामध्ये हवी, ती एकनिष्ठता आपल्या विचारांमध्ये हवी, ती एकनिष्ठता आपल्या आचारामध्ये हवी. जर आपण इतकं जरी करू शकलो ना आपल्या दैनंदिन जीवनामध्ये, तरीही आपल्या हाती घेतलेलं कार्य म्हणजे कुठल्याही स्वरूपाचं असो ते पूर्णत्वाला गेल्याशिवाय राहणार नाही, यात कुठलीही शंका नाही. वेळ भरपूर झालाय, मी जाता जाता इतकं सांगू इच्छितो, उन्हाळा जवळ आलाय, आपण नगर जिल्हा तसा दुष्काळी जिल्हा गणला जातो आणि आपण भविष्यात पाण्याचा आपल्याला प्रश्न निर्माण होणारच आहे. अशा या जलतत्वाचं जे पंचमहाभूतांपैकी एक, पंचतत्वांपैकी एक तत्व आहे, अशा या जलतत्वाचा अवमान अपमान नासाडी करण्याच्या माध्यमातनं, वाया जाण्याच्या माध्यमातनं होणार नाही, याकडं आपण प्रत्येकानं वैयक्तिक जर लक्ष दिलं ना, तर भविष्यातले काही वर्ष पाण्याचं संकट आपण पुढं ढकलू शकतो. या पाण्याचा स्तोत्र वाढावा म्हणून अनेक उपाययोजना सुरू आहेत. अनेक उपाययोजना करूनही आपण काही ठिकाणी आजही दुष्काळ सदृश परिस्थिती आहे. मग अशा ठिकाणी 10-10 किलोमीटर लांब जाऊन 2 हंडे पाणी आणण्याची वेळ येते. आपण शहरात आहोत, आपल्याला तितकी समस्या जाणवत नाही, मात्र या शहरापासून 1-15 किलोमीटर लांब आपण कुठल्या वाडी वस्तीवर गेलो ना, तर आपल्या लक्षात येईल पाण्याचं महत्त्व काय. त्यामुळे या आजच्या हनुमान चालीसा पठण व भजन संध्येच्या निमित्त मी इतकंच सांगू इच्छितो की आपण प्रत्येकानं हा संकल्प मनाशी बाळगावा की भविष्य काळामध्ये नुसत्या उन्हाळ्यापुरतंच नव्हे, तर पूर्ण जेव्हा जेव्हा आपल्याला पाणी वापरायचं आहे तेव्हा तेव्हा गरजे इतकंच पाण्याचा वापर करा. अन्यथा आजच्या पाण्याच्या वापरात आपण कपात केली नाही ना, तर भविष्यात आपल्याला पाणी कपात घ्यावं लागेल, लक्षात घ्या. यानंतर ज्या आदिशक्तीला, आदिमातेला, या ब्रह्मांडातली आदिशक्ती म्हटलं गेलं, ती आई आहे. मी नेहमी सांगतो, 1-3 किलोचं दगड आपल्या ओटीपोटाला बांधून 24 तास आपण आपलं काम करून दाखवायचं, अत्यंत अवघड गोष्ट आहे. अशी आई जी 9 महिने आपल्याला उदरात पाळते, पोसते, नुसते पोसत नाही तर ती संस्कारही करते, असह्य प्रसव वेदना सहन करून जन्माला घालते, आपल्याला मांडीचा पाळणा करून लहानाचं मोठं करते, आपल्या बोबड्या बोलांना वळण लावण्याचं काम हीच माऊली करते, आणि आपल्या लडखडत्या पावलांना चालण्याचं बळ देणारं काम देखील हीच माऊली करते. हिची महती आपण शब्दात सांगू शकत नाही. या ब्रह्मांडातली अक्षर कमी पडतील, कागद अपुरा पडेल, शाई अपुरी पडेल, इतकी मोठी महती या आई शब्दाची. आ म्हणजे आत्मा आणि ई म्हणजे ईश्वर, म्हणून तिथे फक्त माया ममता
आणि प्रेम आहे. मग तेवढं एक रूप सोडलं तर सगळीकडे काम क्रोध लोभ मोह माया सगळं आहे. मात्र आई असं एक व्यक्तिमत्व या भूतलावर आहे. मी नेहमी सांगतो की आई इतकं निर्लज्ज व्यक्तिमत्व चैतन्य या ब्रह्मांडात दुसरं कोणी नाही. ते तिचाच बाळ तिचाच मुलगा हजारदा अपमान करतो आणि ती आई परत परत त्या मुलाला म्हणत असते की बाळा जेवून घे, हे फक्त एक आईच करू शकते. मग जसं संसारातली ही आई आहे तशी अध्यात्मात देखील साडेतीन पीठं या ब्रह्मांडामध्ये अशा या साडेतीन पीठांच्या चरणाशी शेवटचं हे सुमन पुष्प, त्यानंतर आरती, अपराध क्षमा आणि या भजन संध्येची समाप्ती. जय शंकर बोल. सच्चे दरबार की जय. दरबार की जय. दरबार की जय. आइए तो चलते हैं उस माँ के दरबार में कि कौन सी ऐसी चीज है जो दुनिया में नहीं मिलती. कौन सी ऐसी चीज है जो दुनिया में नहीं मिलती. हर एक चीज मिलती है लेकिन माँ नहीं मिलती है. चलते हैं माँ के दरबार में. हाँ की शान होती है
अकड़ मुर्दों की शान होती है और ताली वही बजाते हैं जिनके हाथों में जान होती है। बोल सच्चे दरबार की, दोनों हाथ खड़े करते हुए। भक्त थोड़े ज्यादा है लेने का इरादा है, थोड़े ज्यादा है लेने का इरादा है, भक्त थोड़े ज्यादा है लेने का इरादा है, भक्त थोड़े ज्यादा है लेने का इरादा है। सबसे पहले हाथ तुम उठाना, सबसे पहले हाथ तुम उठाना, जिसे चाहिए वो हाथ उठाना उठाना, जिसे चाहिए वो ताली बजाना, जाइए वो हाथ उठाना उठाना, जिसे जाइए वो हाथी बनाना। अरे जिन्हें भी आनंद आ रहा है दोनों हाथ खड़े करते हुए, जिन्हें आनंद नहीं वो हाथ नीचे रखे तो भी चलेगा। बोल सच्चे दरबार की। क्या करना है, काय करायचे? मैया जी के रोज गुणी गाना, दोनों हाथ खड़े करते हुए। मैया जी के रोज गुणी गाना, मैया जी के रोज गुणी गाना, तो जिसे चाहिए वो हाथ उठाना उठाना, जिसे चाहिए वो ताली बजाना, जिसे चाहिए वो हाथ उठाना उठाना, जिसे चाहिए वो ताली बजाना। मुरा से पूरी कर दे हलवा पाटू की, पूरी कर दे हलवा पाटू की, मुरा से पूरी कर दे हलवा पाटू की, पाटू की मुरा से पूरी कर दे हलवा पाटू की, जोत जगा के सबको झुका के, जोत जगा के सबको झुका के, मैं मनाऊंगी उधर में आऊंगी, मैं बेटा गाऊंगी मैं गाऊंगी मैं गाऊंगी। मुरा से पूरी कर दे हलवा पाटू की, मुरा से पूरी कर दे हलवा पाटू की। संत महंत को बुलाते घर में कराओ जगराता, घर में कराओ जगराता, घर में कराओ जगराता, सुनती है सबकी फरियादें माँ मेरी भी सुनने लगी माता, मेरी भी सुनने लगी माता, मेरी भी सुनने लगी माता, झोली भरेगी कटहर की, पूरी कर दे हलवा पाटू
मामुरादे पूरी कर दे हलवा बाटूंगी। जिन्हें भी ये सच्चा दरबार रखा है खाली नहीं बैठना है, दोनों हाथ खड़े कर दो सच्चे दरबार में। और गुफा है तेरी न्यारी, और गुफा है तेरी न्यारी, भगे भी दादा शेरो वाली माँ कहती है दुनिया सारी, कहती है दुनिया सारी, दादी तुम्हारा लेके सहारा, दादी तुम्हारा लेके सहारा, मैं तो आऊंगी आऊंगी मैं आऊंगी मुरादे पूरी कर दे हल बाबा टुनी, मुरादे पूरी कर दे हल बाबा टुनी, मुरादे पूरी कर दे, मुरादे पूरी कर दे, तुम रादे पूरी कर दे, मुरादे पूरी कर दे, मुरादे पूरी कर दे हल बाबा टुनी, मुरादे पूरी कर दे हल बाबा टुनी, मुरादे पूरी कर दे हल बाबा टुनी, मुरादे पूरी कर दे हल बाबा टुनी। बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, आगे वाले जय माता दी, पीछे वाले जय माता दी, ऊपर वाले जय माता दी, पीछे वाले जय माता दी, मेरी बहना बोले जय माता दी, मेरे भाई बोले जय माता दी, मेरे अंकल बोले जय माता दी, मेरे चाचा बोले जय माता दी, हम सब बोले जय माता दी, तुम बोलो जय माता दी, मैं भी बोलूं जय माता दी, 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 जय करार शेरावाली दा बोल सच्चे दरबार की जय, दरबार दरबार की जय। द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ जाती रही बावना जय जी, प्रभु मूरत दिन दे से अरुधर लाल लंगू, वज्र देह दानव दलन जय जय जय, कपिसूर पवन सुत हनुमान की जय। बोल पवन पुत्र हनुमान की जय, सद्गुरु श्री शंकर बाबा महाराज की जय। भारत की जय
शिवम राम नारायणम कृष्ण राम दरम वासुदेव हरे श्री सरम माधव गोपिका वल्लभम जानकी नाय हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम जर आपण 2.5 तास एका ठिकाणी शांत चित्ताने बसलोय त्याचं फळ स्वरूप आपल्यापर्यंत आरतीचं ताट पोहोचतंय त्यामुळे कुणीही गडबड गोंधळ करू नये शांत चित्ताने बसा 5 मिनिटांनं काही फरक होणार नाही श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ सद्गुरु स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ वाराणसी दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ सद्गुरु स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ महाराज श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की 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 Oh,
ओंकारा पंढरीनाथ भगवान की जय माऊली ज्ञानेश्वर महाराज की जय सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय अंबा माता की जय कालिका माता की जय रुणीचरण रामदेव बाबा की जय सद्गुरु श्री स्वामी समर्थ महाराज की जय सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय सद्गुरु श्री गजानन महाराज की जय सद्गुरु श्री शंकर बाबा महाराज की जय धर्म की जय हो धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो विश्व का कल्याण हो बोल सनातन धर्म की जय बोल आज के आनंद की जय बोल अपने अपने माता पिता गुरुदेवन की जय जय श्री राम जय श्री राम जय जय रघुवीर समर्थ नमः पार्वती पते हर हर महादेव।